पहाड़ी इलाकों का मौसम मसालों की खेती के लिए काफी अच्छा है और यहाँ कई तरह के मसालों की खेती होती है, जैसे काली मिर्च, इलायची और वेनिला। इनके पौधों के सही विकास के लिए अच्छी बारिश और 30 डिग्री के आसपास तापमान की जरूरत होती है और यहाँ थेकरी के खूबसूरत पहाड़ों के बीच ऐसा ही मौसम रहता है। चलिए इन उम्दा मसालों में किसी एक के बारे में जानते हैं। ये पेड़ के सामने का हिस्सा है और ये निचला हिस्सा। आप निचले हिस्से में फूलों को देख सकते हैं? हाँ, मुझे दिख रहा है। क्या मैं उसके पास जाकर देख सकती हूँ? क्या मैं चख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? खाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। वाओ, ये पूरा पका हुआ है, आप काले रंग के बीच देख सकते हैं। सच में अच्छा है। इलायची को पहले चुना जाता है, फिर इन्हें साफ होने के लिए भेज दिया जाता है। ठेकरी में इलायची की खेती सामान्य है। इलायची को सभी मसालों की रानी कहा जाता है और ये सबसे महंगी होती है। 4वीं सदी में इलायची का भारत में औषधि बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, जिसका ग्रीक और रोमन से व्यापार होता था। इलायची मूल रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है और अभी तक इसकी खेती पर हमारा काल्पनिक एकाधिकार ही है। तो देखिए, अब हम मैजिक प्लांट के पास हैं। मैजिक? हाँ, इस एक पौधे में ही अलग अलग 4 तरह की खुशबू होती है, पेपरकॉर्न, क्लोज, सिनेमॉन, मैग्नम। 5 तरह की अलग खुशबू हम एक ही पत्ती और एक ही बीज में पा सकते हैं। सच में? हाँ, जरा सूंघिए तो। इसे कहते क्या है? ऑल स्पाइस। हाँ, सच में? बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। मसालों की खेती की दूसरी खास बात जानते हैं। संतुलित वातावरण वाले प्रदेश में कोको की अच्छी खेती होती है, इसलिए भारत में इसके उत्पादन की संभावनाएं ज्यादा है। ये खासकर केरल में उगाई जाती है और थेकड़ी में तो इसका काफी अच्छा उत्पादन होता है। थेकड़ी में वेनिला को उगाने में खास ध्यान रखा जाता है। इसे क्रीपर या ऑर्किड कहते हैं। हाँ, आप मुझे इसके बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, ये दूसरे पेड़ों का भोजन चूसता है। अच्छा, ये जमीन से नहीं उगता? नहीं। ओके, अच्छा, ये पेड़ के ऊपर उगता है और यहाँ इसमें फूल लगे होते हैं। ये देखिए, ये वाला। हाँ। हालांकि वनीला के स्वाद को विश्व भर में लोग पसंद करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि वनीला के फूलों में खुशबू नहीं होती। पर हम लोग लौंग का उत्पादन देख सकते हैं। इसमें गुच्छों में कलियां होती हैं और मई के महीने में फूल खिलते हैं। फूल खिलने से पहले ये बैंगनी रंग के होते हैं। उसी समय हम लोग कलियों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो लौंग कहलाता है। ओह, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, आसान है। वाकई? एक पूरा पीस या उसका पाउडर, कोई भी रूप में हो, लौंग का भारतीय खानों में उम्दा इस्तेमाल होता है। लौंग को अचार, केचप और कई तरह की मिठाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे स्पाइस फार्म की सैर करने में बहुत मजा आया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने व्यंजन बनते हैं उनमें इन मसालों का इस्तेमाल होता है। हर मसाला हर एक व्यंजन में खास स्वाद लाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये मसाले कैसे तैयार होते हैं, तो आप ठेकरी के स्पाइस फार्म जरूर आइएगा। जानकारी के लिए धन्यवाद। आपका दिन मसालेदार। और आपका भी।